बॉलीवुड में दोस्ती का दूसरा नाम शोले के जय वीरू माने जाते हैं। इस फिल्म से जुड़े दोनों की दोस्ती के किस्से आज तक फेमस है, लेकिन हिंदी सिनेमा की असली जय वीरू की जोड़ी कोई धर्मेंद्र और अमिताभ नहीं बल्कि फिरोज खान और विनोद खन्ना की है। 70 के दशक में बड़े पर्दे पर धाक जमाने वाले फिरोज खान और विनोद खन्ना की दोस्ती के बारे में तो आपने भी सुने होंगे, लेकिन क्या आप दोनों के बीच हुई हाथापाई का वो किस्सा जानते हैं जो एक पार्टी के दौरान हो गया था और फिर वो हुआ जिसके बारे में ना कभी फिरोज खान ने सोचा और ना ही विनोद खन्ना ने, बस वो बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गया। फिरोज खान और विनोद खन्ना वो यार थे जो हमेशा सुख दुख में खड़े रहते थे, लेकिन एक बार शराब के नशे में फिरोज खान ने वो हरकत कर दी जो विनोद को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर एक्टर ने दोस्त के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि इस मुक्के के बाद फिरोज खान को 110 करोड़ का फायदा हुआ था और दोनों की दोस्ती यहीं से और ज्यादा पक्की भी हुई। आइए जानते हैं बॉलीवुड का वो अनसुना किस्सा। बी टाउन की गलियों को करीब से जानने वाले लोग ये अच्छे से जानते हैं कि फिरोज खान पार्टियों के काफी शौकीन थे। अक्सर वह लोगों के साथ गेट टुगेदर करते थे और घर में ही महफिल जमाया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार फिरोज खान ने एक पार्टी रखी जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कई लोगों को आमंत्रित किया। पार्टी में उन्होंने विनोद खन्ना को भी बुलाया। दोस्त की पार्टी थी और सभी अपनी पत्नियों के साथ पार्टी में आने वाले थे, तो विनोद खन्ना भी अपनी पहली पत्नी गीतांजलि के संग महफिल में शामिल हुए। पार्टी में खाने पीने के साथ डांस का भी इंतजाम था, सभी डांस कर रहे थे। तभी फिरोज खान ने गीतांजलि का हाथ पकड़ा और डांस करने लगे। हालांकि गीतांजलि उन्हें मना कर रही थी और डांस के लिए सहज नहीं थी क्योंकि फिरोज खान नशे में थे। विनोद खन्ना ने पत्नी गीतांजलि को असहज देखा तो उन्होंने फिरोज खान को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक्टर कुछ सुनने को राजी नहीं थे। तभी विनोद को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोरदार मुक्का उनके मुंह पर मार दिया और पार्टी से चले गए। पार्टी के अगले ही दिन फिरोज खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विनोद खन्ना और उनकी पत्नी गीतांजलि से माफी मांगी और कहा, बहुत जोर मुक्का मारा था यार कि पूरा जबड़ा हिल गया, लेकिन जो भी हो मुझे मेरा हीरो मिल गया। फिरोज खान उन दिनों फिल्म कुर्बानी बना रहे थे। इस फिल्म में उन्हें ऐसे ही एंग्री यंग मैन की जरूरत थी। फिल्म के लिए उन्होंने पहले अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अमिताभ को रिप्लेस कर दिया था क्योंकि एक्टर के पास 6 महीनों तक तारीखें नहीं थी। तब फिरोज खान ने दोस्त विनोद को चुना और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 1980 के उस दौर में जब देश की सड़कों पर मर्सिडीज नहीं दिखती थी, उन्होंने फिल्म कुर्बानी में एक मर्सिडीज एक्शन सीन में ही बर्बाद कर डाली थी। फिल्म जब रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर तबाह तोड़ दौलत बरसी, तब तक विनोद खन्ना ओसो के हो चुके थे। अकेले मुंबई में ये फिल्म 3 महीने तक हाउसफुल चली थी। फिल्म ने बम्पर कमाई की और इतनी कमाई की कि फिरोज खान के बेंगलुरु स्थित फार्म हाउस में नोट गिनने के लिए पूरा एक दस्ता अलग से तैयार किया गया था। फिल्म ने उस दौर में 11 करोड़ रुपये कमाए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।